और ओसीडीबी से आए हैं और बैंक से आए हैं, सभी जो हमारे आगंतुक हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो हमारा वाइब्रेंट बिहार लेने का जो अपना मकसद है वो है कि जिस तरह से हमारा बिहार में भी काम चल रहा है, जिस तरह से हमारे उद्योग मंत्री काम कर रहे और जिस तरह से विकास विभाग सर शिक्षा संस्था उद्यमता पे काम करे, एक विश्वास का माहौल बना है। लोग जो है बिहार के बाहर और बिहार पूरी दुनिया में जो जितने भी बिहारी हैं उनके ऊपर में एक विश्वास जगा है कि किस तरह से आगे बढ़े बिहार। सभी के दिल में एक प्रेम है और प्रेम जो है वही दिख रहा है, आज भी दिख रहा है और पूरी दुनिया में दिख रहा है कि किस तरह से हम बिहार में आए। और अपना जो मेन मकसद, अपना जो ये वाइब्रेंट बिहार का जो हमने मेन मकसद रखा है कि हम आत्मनिर्भर बिहार से आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और हमारा जो है कि मेक इन बिहार, हम जो बनाएंगे मेक इन बिहार हमारा जो मूल मकसद है। हमने शून्य दिया है, अब हमने शून्य का आविष्कार किया है और हम यही शून्य हमको चंद्रमा तक पहुंचाती है, यही शून्य नासा और इसरो में चलता है, यही शून्य हमने पूरी दुनिया को गिनती सिखाना शुरू किया है। जब 2012 में गुजरात वाइब्रेंट हुआ था उस समय अदानी साहब को हम नहीं जानते थे उतना ज्यादा, अंबानी साहब अदानी साहब इतने तरक्की पे नहीं थे, पर 2012 के बाद गुजरात ने काफी तरक्की किया है। आज हमारे पास मौका है, हमारे इन्वेस्टर आए, हमारे स्टार्टअप हैं, हमारे बिहार से ही जिस हाइट को आज अदानी साहब और अंबानी साहब ने लिया है उसी हाइट को हमारे बिहार ही लेंगे। हम क्या करेंगे, वोकल फॉर बिहार ही है। हमने क्या करना है, जब हमारे लोग बुद्धा खरीदे तो हमने कहा नहीं बुद्ध खरीदो, हम बुद्धा से बुद्ध की तरफ जाएंगे, हम वोकल फॉर लोकल होंगे, हम वोकल फॉर बिहारी होंगे। इसी मकसद से वाइब्रेंट बिहार किया गया है। हम बिहार को अपने हमने मिथिला पेंटिंग खरीदा है, हमने मिथिला पेंटिंग खरीदा है, मिथिला पेंटिंग को बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारे लघु उद्योग को बढ़ाएंगे, हमारे ही लोग को हम अदानी अंबानी टाटा और जिंदल साहब के उस हाइट तक ले जाना चाहते हैं, उनको उस लेवल तक देखना चाहते हैं। और इसी का और जो वाइब्रेंट बिहार जो है ये इसी का मकसद है। धन्यवाद।